लोकसभा चुनाव 2019 के लिए तमाम चैनलों में एग्जिट पोल में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। एग्जिट पोल के नतीजे पर जन अधिकार पार्टी के संरक्षक राजेश रंजन और पप्पू यादव इत्तफाक नहीं रखते। जी हां, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के अहंकार और अपरिपक्वता के कारण एग्जिट पोल के नतीजे बिहार में एनडीए को बढ़त दिखा रहे हैं। बिहार में कई मंच को कांग्रेस और राजद ने एक साथ साझा नहीं किया। एग्जिट पोल के नतीजे पर जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने कहा कि एग्जिट पोल के नतीजे को मैं सही नहीं मानता हूं। और क्या कुछ कहा पप्पू यादव ने, आप खुद ही सुन लीजिए। ऊपर ले आइएगा भाई, आप हमको जरा बताइए, एक न्यूज चैनल है जो 6-7 की बात कर रहा है भाई, 6 पर हम चुनाव ही लड़ रहे हैं, कह रहा 6-7 जीत जाएंगे, 6 पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक न्यूज चैनल है जो कह रहा है कि एबीपी एक न्यूज है, कोई न्यूज, उसने कहा कि उत्तर प्रदेश में 56-58 सीट आएगा, ठीक 2 घंटे के बाद, कह रहा नहीं 33 आएगा एनडीए को, 44 आएगा महागठबंधन को, कोई कह रहा है 167, कोई कह रहा है 267, कोई 278 को कह रहा था 257, वो हो गया 278, एक आदमी कह रहा है कि नहीं आज तक करा 38-40 सीट बिहार में उन्हीं की, 14 का 14 सीट झारखंड में उन्हीं का, 23 सीट उन्हीं का, 19 सीट उड़ीसा में उन्हीं का, 38-40 सीट उन्हीं का, 7 में से 7 सीट उन्हीं का, 25 में से 25 सीट राजस्थान में उन्हीं का, आप देख लीजिए भारी एग्जिट पोल। पप्पू यादव की माने तो ऑस्ट्रेलिया में एग्जिट पोल के नतीजे बिल्कुल उल्टे हुए थे। पप्पू यादव ने कहा कि सर्वे देश में एकमात्र कुछ लोगों के बीच किए जाते हैं जो सही नहीं हो सकते। बिहार में महागठबंधन के सभी दलों के बीच समन्वय नहीं होने के कारण नतीजे सही नहीं होंगे। इन नतीजों का आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर भी असर जरूर पड़ेगा। बता दें कि एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 34 से 36 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं यूपीए को 6 से 6 सीटें मिल सकती है, जबकि अन्य के हाथ खाली रह सकते हैं। वहीं झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि यूपीए को 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य के हाथ कोई सीट नहीं लगती हुई दिखाई दे रही है। मधेपुरा सांसद और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 के चुनाव में वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और सांसद बने थे। उनकी पत्नी रंजीता रंजन सुपौल से कांग्रेस पार्टी की सांसद हैं। इस वर्ष भी वो चुनाव लड़ी। राजेश रंजन और पप्पू यादव ने पहली बार 1991 में लोकसभा चुनाव जीतने में सफलता हासिल की। उसके बाद 1996, 1999 और 2004 में भी अलग अलग लोकसभा सीट से चुनाव जीते। वो समाजवादी पार्टी SP, लोक जनशक्ति पार्टी LJP और राष्ट्रीय जनता दल RJD के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। फरवरी 2008 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक अजीत सरकार की हत्या के आरोप में निचली अदालत ने पप्पू यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। उस दौरान 2009 में पप्पू यादव पर आम चुनाव लड़ने से रोक लग गई थी। बरी होने के बाद 2014 में वो फिर चुनाव लड़े और जीते। मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान विधानसभा की सीट से पहली बार विधायक बनने के बाद पप्पू यादव ने बहुत कम वक्त में कोसी के कई जिलों में अपना प्रभाव बढ़ा लिया। उन्होंने मधेपुरा नहीं बल्कि पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, कटिहार जिलों में अपने समर्थकों का मजबूत नेटवर्क खड़ा कर लिया है। SBN 9 न्यूज के लिए शशिप्रिया सिंह की रिपोर्ट।